So good morning to all of you, class 12. So today I will discuss question number 19. So the balance of PQR who are sharing profits in the proportion to their capital is stood as follows. ठीक है. So PQR were partners. P है, Q है और R. Three partners in this question. ठीक है. PQR named. The profit sharing ratio of PQR were capital stood follows. यानी इसका मतलब है कि जो capital लगी हुई है उसके according यानी 1 lakh capital है, 1,50,000 है और उसके बाद है R की capital 1 lakh. ठीक है, तो 4-0, 4-0, 4-0. 5 to the 10, 5 to the 15, 5 to the 10. यानी 2 by 7, 3 by 7, 2 by 7. The profit sharing ratio were 2 by 7, 3 by 7, 2 by 7. ये आपका क्या है, profit sharing ratio. ठीक है. अब इसके बाद करना क्या है कि लिख रहा था ratio नहीं, ratio not given in the question, but इसमें ये कह रहा था कि आप जो है capital के according ratio को बनाए, तो हमने बना दिया. ये आपका ओल्ड रेशियो है. ठीक है, ओल्ड रेशियो गिवन इन द बैलेंस शीट. ठीक. सो उसके बाद है आज की डेट में एक कैपिटल अकाउंट दिया है, दूसरा करंट अकाउंट है. इसका मतलब है कि कैपिटल फिक्स रही होगी. ठीक है. सो इस केस में हम लोग करेंगे क्या कि दो तरीके का, एक तो रिवेल्यूशन बनेगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो जारी जो सारी एंट्री है वो ट्रांसफर होगी करंट अकाउंट एक्सेप्ट लोन. ठीक है. सो सबसे पहली चीज़ ये देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसे ही कोई चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. तो क्यू रिटायर्स दिस डेट एंड द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, यानी कौन जा रहा है, क्यू जा रहा है. ठीक है. क्यू का हिस्सा कितना है, 3/7. नाउ द नेक्स्ट थिंग, हम लोग सबसे पहली चीज़ इसमें गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं और हमारे पास गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है. ठीक है. सो गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग करते क्या हैं, 2-3-2 का हमारा ओल्ड रेशियो है, तो नया रेशियो क्या होगा, यानी क्या रेशियो के बारे में डिस्कशन है. जी हाँ, लास्ट पॉइंट में कह रहा है पी आर डिसाइडेड टू शेयरिंग प्रॉफिट्स इन लॉसेस इन द रेशियो 3:2, यानी पी और आर ने डिसाइड किया कि उनका रेशियो 3/5, 2/5 होना चाहिए. ये है न्यू रेशियो. ठीक है. सो गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड. कौन कौन गेन कर रहा है, पी गेन कर रहा है 3/5 माइनस 2/7. ठीक है. 35 एलसीएम, 5 7 जा 35, 21 7 5 10, 11/35. ठीक है. ये तो आ गया आपका केवल क्यू पी का. अब हम आर की बात करते हैं. R का 2/5 - 2/7, 5 7 जा 14, तो आपका 11:4. ये क्या है, 11:4 आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा. ठीक है. तो हमको एक चीज पता लग गई कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 3:2. गेनिंग रेशियो कितना है, 11:4. ठीक है. सो अब आगे का हम डिस्कशन करते हैं. ठीक है. सो हमको सबसे पहले हम बना लेते हैं पार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट और गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते. ठीक है. कह रहा है कि पी एर आर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स 3:2. इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू क्यू इन इज करंट अकाउंट टू बी पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर इन लोन अकाउंट. ठीक है. सो आ जाओ देखते हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 63,000, यानी 63,000 की आपकी गुडविल है. ठीक. तो उस पार्टनर का हिस्सा कितना है, 63,000 × 3/7, यानी जो 63,000 उसकी गुडविल आ रही थी उसका हिस्सा क्या था, 63,000 फर्म की गुडविल है, तो उसका रेशियो है 3/7, तो 3/7 से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो
तो आ जाएगा 27,000। ठीक है, इसके बाद गेनिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो हमारे पास जो गेनिंग रेशियो है पी और आर का है, तो पीज करंट अकाउंट डेबिट, पी आर्स करंट अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट क्यूज करंट अकाउंट। ठीक है, सो 27,000 रुपया एंड 27,000 इंटू गेनिंग रेशियो क्या दिया है 11/15 19,800 एंड 27,000 इंटू 4/15 7,200। ठीक है, सो ये आपका गेनिंग रेशियो है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लाइबिलिटी माइनस, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। ठीक, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड बाई 5,000, यानी निकाल के दे दिया ओवर वैल्यूड, गलती से बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी इन्वेंट्री हम मान लेंगे कि घट गई 5,000 से। ठीक है, नेक्स्ट और लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू बढ़ गई, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है घटना गलती से, लेकिन हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। ठीक है, इसके बाद क्या है, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय, मशीनरी कितने की है 1,70,000। ठीक है, 20%, तो टू मशीनरी, मशीनरी रिड्यूस होगी कितने से 34,000 से। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड सेंडरी डेटर्स का 5% आप निकाल लीजिए, तो टोटल आ जाएगा 3,000 रुपीज। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है कि ओल्ड क्रेडिटर्स बैलेंस ऑफ सन्डरी क्रेडिटर्स 5,000 बी रिटेन बैक, इसका मतलब क्या है कि 5,000 के क्रेडिटर्स घट जाएंगे, रिटेन बैक का मतलब कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स कितने से कम हो जाएंगे 5,000। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा लाइबिलिटी। नेक्स्ट सम इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म नॉट मैंशनड इन द बैलेंस शीट, पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में नहीं गिवन, दिया नहीं। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गई इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसमें कह रहा है नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट, यानी पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। आर टेकन ओवर बाय पी 35,000। ठीक है, सो एक चीज और बता दें हम कि इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ जाएंगे, पहले तो आप टेक ओवर की बात है, लेकिन पहले आपकी एसेट्स बढ़ी, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। ठीक है, पहले बढ़ाने की एंट्री कर जाओ 35,000 से, अब देखो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, 30,000 + 5,000 + 35,000 - 5,000 - 34,000 - 3,000, तो आपका आ जाएगा, आपके पास जो टोटल आएगा रिवैल्यूएशन का वो 28,000 प्रॉफिट है। ठीक है, सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीस करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट एंड आर्स करंट अकाउंट। ठीक है, सो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 28,000 का है। ठीक, सो सारा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, ओल्ड रेशियो में करंट रेशियो के करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग 8,000, 12,000, 8,000। ठीक है, ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो उसको क्रिएट करने का क्या तरीका है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप बना लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, छोटा सा ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि
आपकी सारी फिगर करंट अकाउंट में चली जाएगी, पी क्यू आर। पर्टिकुलर्स ठीक है। अब जो एक चीज हम डिस्कस करेंगे वो लोन अकाउंट की। हम कैपिटल के पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लोन अकाउंट में। कौन पार्टनर जा रहा है, क्यू जा रहा है, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू क्या एंट्री बनेगी, क्यूज लोन अकाउंट। ठीक है, जो भी एंट्री, जो भी उसका पैसा बनेगा वो लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है करना, और इसके बाद हम बताएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है आपके पास 1,50,000 बाई बैलेंस बीडी 1,50,000 और कितना है 1,00,000। ठीक है, सो इसमें तो ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास लोन की जो फिगर है वो है आपकी, यानी केवल लोन, सारी एंट्री जाएगी आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में, लेकिन एक्सेप्ट लोन और कैपिटल बैलेंसेस के जो भी एंट्री है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। तो कौन सा पार्टनर जा रहा था, क्यू जा रहा था, तो क्यू के हिस्से को क्यूज लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे 1,50,000। और यहाँ पे बैलेंस सीडी जो हो जाएगी वो 1,00,000 होगी। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1,00,000। ठीक है, सो 1,00,000 है, 1,50,000 है, फिर 1,00,000 रुपीज़ है। तो आप इसको क्लोज कर देना, इसकी कोई नीड नहीं है, बस सारी एंट्री ट्रांसफ़र कहाँ होगी, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की जो रूलिंग है वो कैसी, वो क्या है, वो आपको यू नो वेरी वेल। तो सबसे पहली चीज़, हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमने क्यू के कैपिटल को डेबिट कर रखा है 1,50,000 रुपीज़, ये एंट्री बनी। ठीक, करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या क्या दिया है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है पी और क्यू का कितना है, 20,000-6,000। तो बाई बैलेंस बीडी ये होता है क्रेडिट, ये होता है डेबिट। ठीक है, सो बैलेंस बीडी जो दिया हुआ है पी और क्यू का ही है 20,000, 6,000। आर का बैलेंस नहीं दिया है, तो आर का बैलेंस डेबिट साइड में एसेट्स में दिया है। कितना पैसा है आर का, 10,000। ठीक है, हमने ये कहा कि इसकी एंट्री तो आपने ट्रांसफ़र कर दी, पी डेबिट आर डेबिट टू क्यूज़ करंट अकाउंट। तो क्यूज़ करंट अकाउंट में 19,872 ये वाली एंट्री हो गई। अब बाई क्या लिखोगे, बाई पी एंड आर करंट अकाउंट कितना पैसा, 27,000 ये हो गया। हमने प्रॉफिट के पैसे को हम सारा ट्रांसफ़र करंट अकाउंट में करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, नहीं कहा है, अगर करंट अकाउंट दिया है तो हम मानेंगे कि कैपिटल क्या है, फिक्स है, 8,000, 12,000, 8,000। ठीक है, बाकी क्या बच गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को कौन टेक ओवर कर रहा था, लाइन दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय पी, यानी इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर दिया 35,000। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा, सारी चीज़ें हमने दिखाई दी हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, हम लोग ट्रीट करते हैं 20,000 प्लस, तो इधर का आई थिंक डेबिट ज़्यादा है, पी का कितना ज़्यादा है वो देखना है। तो पी का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 54,800, और पी का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 28,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो माइनस 20, तो हमारे पास P
पी का जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाई बैलेंस सी डी यहाँ पे आएगी, कम है इसका मतलब है पी को फर्म को और पैसा देना है, कितना पैसा देना है उसको, 26,800 डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम। इस तरह हम लोग क्यू का निकाल लेते हैं, 6,000 प्लस 27,000 चलो हम लोग क्यू का निकालते हैं, 6,000 प्लस 27,000 प्लस 12,000 आ रहा है 45,000, ठीक है। और यहाँ पे आप आर करिएगा, ठीक है, गलती से क्यों में लिखा गया है, यहाँ 7200 आर, ठीक है, क्योंकि ये पैसा आर का है और ये पैसा पी का है, तो हमने क्यों में 27,000 कर दिया है, ठीक है। सो ये 7200 आप कर लीजिएगा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, यानी अब पी का हिसाब करते हैं और पी को कैसे पेड किया गया है। कह रहा है पी को पेड किया गया कितना रुपया, लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड आर डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। इट वाज फर्दर एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू क्यू इन इट्स करंट अकाउंट बी पेड इन कैश, ठीक है। हमारे पास कैश कितनी थी, 56,000 की कैश हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है, एक्सेस हमारे पास कैश है 56,000, तो 45,000 हमारा क्यू का निकल रहा है, तो 45,000 हम क्यू को दे दें, तो हमारे पास कैश बचेगा कितना, आई थिंक 11,000 रुपीज, ठीक है। सो हम पहले क्यू को पेड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश कर लीजिएगा, पेड करने के लिए कह रहा है करंट अकाउंट से पेड करेंगे, किसको पेड करेंगे, 45,000, क्योंकि इसका पेड बैलेंस है। अब आर का हम बात करते हैं, 10,000 और 17,200 माइनस 8,000, तो 9,200 किसका आ रहा है, आर का आ रहा है, ठीक है। सो 9,200 डेबिट बैलेंस है फिर एक बार आर का, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तो 9,200 यहाँ पे इनकी सी डी है, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, बहुत सिंपल है बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमें करना कुछ नहीं है, बैलेंस शीट एज एट फर्स्ट फोर, अब वो जा रहा है, यानी क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट फोर 2016, ठीक है। बैलेंस शीट हम डिस्कस करते हैं, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज, ठीक है। आइए चेक करते हैं बैलेंस शीट का पार्ट, ठीक। तो बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है, सेंट्री क्रेडिटर्स दिया है 70,000 के, तो क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हुए थे रिवैल्यूएशन में 70,000 के थे, जिसमें 5,000 हमको रिड्यूस करना है, तो 65,000 को, ठीक है। फिर इसके बाद है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पी क्यू आर, तो कैपिटल अकाउंट है जब पी क्यू आर का, तो कौन सा बैलेंस दिया है ये हमें देखना है, ठीक है। सो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वो पी और आर का है केवल, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट किसका किसका हो जाएगा, पी का और आर का, चूँकि क्यू तो चला गया, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, तो कितना हुआ, 2,00,000। अब इसके पैसे को क्यू का लोन लाइबिलिटी है फर्म की, सो क्यूज लोन अकाउंट कितना पैसा है क्यू का लोन, 1,50,000 रुपीज, ठीक है, 1,50,000 रुपए की आपकी लाइबिलिटी आ रही है, ठीक। अब इसके बाद का जो डिस्कशन है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे कैश पेड कर दिया, एक तो कैश यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो, 56,000 की थी उसमें से 45,000 गया, तो 11,000 रुपीज की कैश आपके पास बच रही है, ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया, क्या बच गया कि बैलेंस शीट में, यानी 65,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,50,000, तो आपका जो बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए
4,15,000 rupees। ठीक है, तो देख लेते हैं, 2,00,000 + 1,50,000 + 65,000 टोटल हो गया 4,15,000 rupees। ठीक है, सो वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, सो कैश हो गया 11,000 का। नेक्स्ट है, इसके बाद का जो फिगर है वो है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 रुपीस। तो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपीस से बड़ी थी, तो नई लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी कितनी, 1,30,000 रुपीस। ठीक है, सो 1,30,000 लैंड एंड बिल्डिंग थी। मशीनरी 1,70,000 की थी, तो मशीनरी रिड्यूस हुई थी 34,000 से 34,000 से, तो -34,000, तो मशीनरी हो जाएगी आपकी नई मशीनरी 1,40,000। पुरानी मशीनरी थी 1,70,000। ठीक है, सो 1,70,000 -34,000, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 1,36,000 रुपीज की मशीनरी। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट है, ये तो हो गया आपका, फिर इसके बाद क्या बचा बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, इन्वेंट्री 50,000 की। तो इन्वेंट्री 5,000 से रिड्यूस हो गई, तो नई इन्वेंट्री कितने की बची, 45,000। 50,000 था, 5,000 रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स, 60,000 के डेटर्स थे। ठीक है, तो जब 60,000 में से 3,000 आपने प्रोविजन किया है, तो 57,000 के आपके डेटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, इन्वेंट्री हो गया, मशीनरी हो गई, डेटर्स हो गया, कैश भी हो गया, आर्स करंट अकाउंट कोई मतलब नहीं है उसका, वो तो बैलेंसिंग करने के लिए था। अब देखेंगे यहाँ पे आर पी और आर का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, यानी ये फर्म को और पैसा देंगे, कौन कौन देगा, पी और आर देंगे। ठीक है, तो पी और आर यहाँ लिखिएगा, पीज करंट अकाउंट कितना है 26,800, ये दोनों फर्म की क्या है, एसेट्स है, और आर्स करंट अकाउंट 9,200। ठीक है, और यहाँ पे क्यूज करंट अकाउंट दिया है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे टू कैश को पेड कर दिया गया है इसको। अब हम लोग मिला लेते हैं कि क्या बैलेंस शीट मैच कर रही है या नहीं, तो 1,36,000 45,000 प्लस 57,000 प्लस, तो आपके पास पूरी बैलेंस शीट मैच कर रही है 4,15,000 से। सो सी द क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर, यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 19।